एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं तिगिरिया फॉल्स, और ये एक वाटरफॉल है जो कि हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, और तो इसलिए हमें सफ़र करने के लिए तय लगेगा। बट मैं आपको 3 सेकंड में वहाँ पर पहुँचा दूँगा, तो बिना किसी देरी के चलते हैं। लेकिन अब आपको अपने, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। तो मैं मिलता हूँ तिगिरिया फॉल्स पर। बाय। तो ये जो क्लीन और सुंदर सा हाईवे देख रहे हो, ये जाता है तिगिरिया फॉल्स। देखिए चारों तरफ, मतलब इस साइड बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, गुवाहाटी इज वन ऑफ द टॉप लोकेशंस वेर यू कैन स्पेंड मेनी डेज विथ नेचर, एंड दैट इज व्हाई Assam is also called the gateway of Northeast that attracts tourists and nature lovers. Every kind of traveler can find something in Guwahati due to the wide range of tourist attractions. Among them, Tegheria Falls Waterfalls is such a breathtaking location that attracts attention and wins hearts. तो आपको आपको ऐसे लग रहा होगा कि मुझे Tegheria Falls पहुंचने से पहले कैसे पता चला? Because I have heard it many times, और आज मैं जा रहा हूँ वहां पर खुद experience करने। सुनने से कुछ नहीं होता, देखने से होता है। You know the difference between truth and lies? अगर जानते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो एनएच से हम लोग एक कच्चे रास्ते में आ चुके हैं, और यही वही रास्ता है, कच्चा तो नहीं है, मतलब प्लान्ड जरूर है। तो देखिए चारों तरफ माउंटेन्स हैं, एक एक्चुअली एक विलेज है, इसकी प्लेन फील्ड्स। इंडिपेंडेंस डे है, इसीलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेन एंट्रेंस और ये है टिकट काउंटर। असम इसमें क्या लिखा है तो देखिए, एडल्ट के लिए 20 रुपीज और चिल्ड्रन के लिए 10 रुपीज। टिकट काउंटर। तो देखिए दोनों तरफ ये कॉर्न तंदूरी, चिकन तंदूरी, फिश तंदूरी, मटन तंदूरी, जो भी तंदूरी मिलता है सब है। तो हम लोग टिकट खरीद के अंदर आ चुके हैं, अंदर भी गाड़ियों की लाइन लगी है। देखो बाइक्स, तो एक दो कार, सब अभी तो बहुत सारा चल रहा है अभी। देखिए तो देखिए दोस्तों, इतना ज़्यादा क्राउड क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, या फिर हमेशा होता होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। तो चलिए इस दुनिया के सबसे छोटे ब्रिज को क्रॉस करके चलते हैं। ही आई लाइक कॉमेडी। तो ये देखो, ये है फॉल का पानी, और अभी हम लोग को यहाँ पर रास्ता तय करना है अगर हमको फॉल को अच्छे से देखना है। अब ऊपर चढ़ते जाओ, जहाँ मन करे रुक के खाना बनाओ।
बना नहीं खाओ, हाँ खाओ। लोग तो खाना बनाने में बिजी हैं, कुछ खाने में बिजी हैं, कुछ घूमने में बिजी हैं, कुछ बातें करने में बिजी हैं, कुछ नहाने में बिजी हैं, आई डोंट नो क्या क्या बिजी है। तो कुछ लोग डीजे में भी बिजी हैं, डीजे में भी हैं, और हम लोग ऊपर चलते जाएंगे। देखो तो मैं कितना ज्यादा बड़ा ये वाटरफॉल है, पिकनिक स्पॉट, वाटरफॉल पिकनिक स्पॉट। तो यहाँ पर आप इधर घर से खाना लाके खा सकते हो, फॉर नेचर लवर्स या फिर यहीं पर खाना बना सकते हो। दिस इज अ ब्रेथ टेकिंग एंड मैग्निफिसेंट टेगेरिया फॉल्स इज अ डिलाइट। द वाटरफॉल्स आर अ वेल लाइक्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द एरिया बिकॉज ऑफ देयर ब्यूटी एज वेल एज नियर बाय पिकनिक एरियाज। इस जगह पे आप क्या नोटिस कर रहे हो? प्लांट्स, वाटर और स्टिफ लाइक रॉक्स जिस पर आप कदम रख सकते हो और ऊपर जितना चाहे उतना ऊपर जा सकते हो। देखो तो ये बहुत ज्यादा ऊपर तक है, ये वाटरफॉल वहां से स्टार्ट होता है, हम यहाँ तक ही आ पाए क्योंकि ऊपर से ज्यादा रिस्की है और रॉक्स भी ज्यादा स्लिपरी है। इस पे आप नेक्ड फीट से ही चल सकते हो यहाँ पर। तो जैसे कि ये लोग कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो एंजॉय द फॉल बाय टेकिंग अ रिफ्रेशिंग डिप इन द कूल वाटर दैट इज स्लोशिंग डाउन द हिल्स एज यू कैन सी। एज आई सेड, तेहिरे वाटरफॉल्स इज अ ग्रेट लोकेशन for picnics. It is a wonderful area to lay your mat and take in the beauty of huge lush green countryside that is home to huge oak trees, dense shrubbery and a shallow trickle of water. तो हम यहाँ पर ज्यादा देर नहीं रुक सकते क्योंकि गुवाहाटी में अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी हो चुका है, सब कुछ गीला गीला लग रहा है, इसीलिए तो इसीलिए हम जा रहे हैं तापेसिया डायरेक्टली, यहाँ से तापेसिया टी स्टेट की तरफ। तो चलिए चलते हैं। तो ये है तापेसिया टी स्टेट, तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। टी गार्डन के पास होना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये देखो ये है इसका एंट्री गेट, यहां से चलते हैं। किसी की मस्त बाइक है यहाँ पर। तो ये देखो ये है पूरा टी स्टेट, कितना बड़ा है ना। बहुत ही सुंदर और ब्रेथ टेकिंग व्यू है यहाँ का, देखिए पूरा तपेसिया है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आई मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और तब तक आप इस टी स्टेट के मजे लीजिए। वो ऐसा मैं चलता हूँ घर और आप लीजिए तेहिरे फॉल्स के मजे। यहाँ वहां पर जरूर जाइएगा जिस दिन क्राउड ना हो। बाय बाय।